ये इसमें सर घटना सन 2016 की है, क्रिसमस 25 दिसंबर के आसपास की है। इसका ना जो पीड़ित हेमंत है, हेमंत बेरवा, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है हिमांशु बेरवा। इसकी पत्नी हिमांशु की जो माता है और पीड़ित हेमंत की जो पत्नी है सपना गोमे निवासी लालक बगीचा, इनकी शादी के 7-8 साल बाद, जब ये पुत्र होने के बाद, जब 7-8 साल बाद इसके अंदर आसपास के इसके सलम एरिया से इसको कहीं ऐसा पता चला माता का, आरोपी माता को, सपना गोमे को, कि आप तुम्हारे ननिहाल में बहुत सारा गलत है ना, उसको निकालने के लिए बेटे के खून की बलि देनी पड़ेगी। इस अंधविश्वास में विश्वास रखते हुए इसकी माता ने एक षड्यंत्र रचा और अपने माता पिता मतलब मायके वालों को कन्विंस करते हुए अपने बेटे के हाथ से गला धन निकालने के लिए घर के अंदर तांत्रिक क्रिया शुरू करी। क्योंकि तांत्रिक क्रिया करने के दौरान घर वालों ने शुरू में, जब इसके ससुराल वालों ने, पति ने, सास ने आपत्ति ली, तो ये पूजा माता जी की पूजा करने को लेकर बहाना बनाकर डालते हुए एक दिन इसके अंदर इसने अपने बेटे के हाथ के अंदर निडिल फंसा के ब्लड निकालने की कोशिश करी, जिससे बेटा घबरा गया और चिल्लाया तो माँ भी घबरा गई। उसके बाद बेटे ने पूरी हकीकत मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान अपनी पूरी घटना का निर्माण वर्णन करते हुए पूरी घटना बताई, जिसके बाद में जब घर वालों को पता चला तो माँ वहां से भाग गई। वहां से भागने के बाद भी इसके अंदर जैसे ही वो भागी तो भागने के बाद जब पुलिस थाने में रिपोर्ट करी, डीआईजी ऑफिस में शिकायत करी, पुलिस थाना तुगलक में कोई कार्रवाई नहीं करी, डीआईजी ऑफिस में कोई कार्रवाई नहीं करी, इन सब चीजों से व्यथित होकर फिर उन्होंने जिला न्यायालय इंदौर की शरण ली। जिला न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना तुगलक से इसमें रिपोर्ट तलब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करने के पश्चात फिर इसमें थाना प्रभारी से आज इसके अंदर जिला न्यायालय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्टीकरण तलब कराया। ये पूरा घर धन को लेकर माँ द्वारा लालच में, पैसे के लालच में अपने ही बेटे के खून की बलि लेने का ये प्रकरण परिवार है। कृष्ण कुमार कुन्हारे। बहुत पुराना मामला, अभी समझौता नहीं हुआ आपका, क्या बोलते हैं? महीने में 10 दिन भी नहीं जा पा रहा सर। ना मेरी मम्मी बहुत मारती थी। क्या हुआ था? मेरे को है ना, मेरी मम्मी पहले बहुत मारती थी जब वो हमारा घर में थी। मेरे को ऊपर से लाती थी दादा दादी के पास बाल पकड़ के, और मेरा है ना ये गला दबा के, और है ना जमीन में पटक के बहुत मारती थी मेरे को। जाकर मेरे को इतना मालूम है कि बस वो मेरा खून निकालना चाहते थे और गड़ा धन बहुत सारा लेना चाहते थे। कैसे पता चला आपको? मुझे एक दिन है ना वो पूजा कर रही थी, तो मेरे तकिए के नीचे मैं सो रहा था ना, तो मेरे तकिए के नीचे मेरे को यहाँ पर कुछ गड़ रहा था, तो मैंने देखा तो वो तो चक्कू रखे थे उसके नीचे, नींबू और चक्कू यूँ घुसेड़ के यूँ रखे थे। मैं ना जग गया एकदम से, और है ना वो बात भी करते थे डेली कि तेरे खून से अपन को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। मम्मी बहुत लालची थी, खून ने इंजेक्शन से निकाला था देखो। फिर अभी क्यों घर क्यों नहीं जाते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वो है ना उनसे डर के मारे मैं नहीं जाता हूँ। क्या डर के मारे? वो कहा के कभी भी ले जा सकते, प्रिंसिपल मैम भी बिजी रहती अब तो। क्या नाम है तुम्हारा? मानसू बेरवा। हाँ जरूर यार, वो एक बात बताइए, बहुत पुराना मामला है तो। जी सर। क्या हो रहा है सर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा सर, मेरा बच्चा का भविष्य अंधकार में हो गया सर, स्कूल भी नहीं जा पा रहा डर के कारण सर। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, प्राइवेट परिवार लगाया। जी सर, बीच में सर मेरा साला मयंक गोमे और पूजा गोमे मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती करके उठाने की कोशिश की थी सर, लेकिन जैसे भी था छोटाला भाई का लड़का सागर कुन्हारे दोनों खेल रहे थे सर, तो सागर कुन्हारे जैसे भी करके सर बच्चों को लेके आया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया सर। पति-पत्नी के झगड़े की वजह क्या है? सर तांत्रिक क्रिया सर, ये घर में आए दिन तांत्रिक क्रिया करते रहते थे सर, और उससे पूरा घर का वातावरण खराब हो गया था सर, तो इसी को लेकर विवाद हुआ सर सारा। कौन तांत्रिक है जो आपके परिवार? अब सर ये लोग कहीं जाते थे सर, तांत्रिक तो सामने नहीं आया, लेकिन ये पाँचों ही ऐसी क्रिया करते थे सर, तब भी सास आती थी कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रिया करके चले जाना घर में। अभी कोई समझौते की गुंजाइश नहीं सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चे का भविष्य स्कूल जाए, वो ठीक से रहे, खुश रहे सर और डर मुक्त रहे सर। आपका नाम बताओ?
हेमंत बेरवा सर। जब हुआ था आपको याद होगा 2 साल पहले, तो अमित शाह जी ने बयान दिया था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन